यार दोस्तों कैसे हैं आप। देखो आज हम ओमन सिली बनाएंगे, जिसके लिए ये मैंने ओमन सिली ली है। तो हम साथ में मैंने इसके लिए ये प्याज है, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर है, और ये वेजिटेबल्स हैं। इसमें गाजर है, आलू है, बीन्स है और स्वीट कॉर्न है। ये मैंने हमने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखो ये रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे, मीडियम फ्लेम कर देते हैं गैस। अब हम इसमें कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। अब हम इसमें राई के दाने डालेंगे। थोड़ा ही अच्छी तरह भून कर इसके बाद हम इसमें ये लहसुन प्याज थोड़ा सा इसको ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब तक हम इसको भूनेंगे। अब हम टमाटर भी साथ ही डाल देंगे। इसमें थोड़ा भून लिया ये टमाटर और हरी मिर्च हम साथ ही डाल देंगे। साथ ही हम इसमें ये वेजिटेबल भी सब इसमें डाल देंगे। ये अच्छी तरह भून जाएगी। ये देखो ये सब्जियां हमारी ये थोड़ी भून चुकी हैं। अब हम इसमें तीखे मसाले डालेंगे, जिसके लिए ये नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो साथ में ये लाल मिर्च पाउडर, इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे। हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और साथ में ही हम जो ये हमने इसको भून के रखा था इसको हम इसमें डाल देंगे।
से ऊपर नीचे करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। ऐसे पानी डाल देंगे, पानी इतना डालेंगे कि अच्छी तरह पानी में डूब जाए, और क्योंकि इसमें वेजिटेबल भी है वो भी गल जाएंगे कि थोड़े बहुत रह गए। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे। ये देखो इसका ढक्कन हटा के देख लेते हैं, देखो ये सारा पानी इसका सूख चुका है। इसको देख लेते हैं, ये गली गई है वैसे तो, लग तो रही है हाँ आराम से गल गई है। ये देखो वेजिटेबल भी गल चुकी है इसकी। हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देखो ये रोमन सिली बनके हमारी तैयार हो गई है। अगर जो आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।